हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स। मेरा नाम है रूपा, स्वागत है मेरे चैनल पे। गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ और एक घरेलू हेयर ऑयल बनाने का रेसिपी। ये जो हेयर ऑयल है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको थिनिंग हेयर का प्रॉब्लम है, मतलब आपके बाल इतने पतले हैं कि आप बालों में हाथ लगाने के संग संग आपके हाथ में 5-6 बाल टूट के आ जाते हैं। और ये बेसिकली उन लोगों को होता है जो बहुत बार बालों को स्ट्रेटन करते हैं केमिकली, उसके बाद उनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ अगर आपके बालों में प्री मच्योर हेयर ग्रे का प्रॉब्लम है, मतलब आपका जो एज है वो 50 अभी तक नहीं हुआ है और उसके पहले ही आपके बाल पक रहे हैं, तो उनको अंदर से दूर करने के लिए भी आप इस हेयर ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हो। 3 से 4 महीना इसको इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद आपको अच्छा एक चेंज देखने को मिलेगा और आपके बालों का जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा। और करी पत्ता बालों में शाइन लाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, तो इसलिए आज हम करी पत्ते का हेयर ऑयल बनाएंगे और आप इसको इस्तेमाल कीजिए बेझिझक। ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो आई होप आप लोगों के ऊपर भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज, इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए बस 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको लेना है ताज़ी फ्रेश करी पत्ता। करी पत्ते तो एशियन कंट्रीज़ में बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। मेरे घर में भी है गार्डन में करी पत्ते का पौधा, अगर आपके घर में है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो मार्केट में इस समय आपको मिल जाएंगे। गर्मी के समय आपको फ्रेश करी पत्ता मिल जाते हैं, तो आप मार्केट से करी पत्ता लेके आइए। करीब 100 ग्राम करी पत्ता आप ले लीजिए और इनको अच्छे से धो लीजिए। और धोने के बाद ये जो करी पत्ता है इनको लेके आप मिक्सी में पीस लीजिए। बड़ी ही महीन तरीके से आपको पीसना है, और नहीं तो मिक्सी में अगर नहीं पीस रहे हैं आप तो पट्टे में हाथों से पीस सकते हो, लेकिन जो इसका जो पेस्ट है वो एकदम महीन बनाइए और इसमें ज़्यादा लम्स ना हो उसका ख्याल रखिए। तो करी पत्ते को लेकर आपको पीस लेना है। उसके साथ आपको लेना है नारियल का तेल। अब यहाँ पे एक बात आती है, अगर आप नारियल तेल के बदले सरसों का तेल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अगर आप ऑलिव ऑयल लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। ये आप लोगों का पर्सनल प्रेफरेंस है, जो ऑयल इस्तेमाल करता है वो उसी ऑयल को ले और उससे वो ये हेयर ऑयल बना सकता है। तो यहाँ पर मैंने नारियल का तेल लिया है, तो 100 ग्राम करीब नारियल तेल आप ले लीजिए। सो गाइस, इसके साथ हमें लेना है ब्लैक क्यूमिन सीड्स, और जो इंडिया के किचन में हर घर के पे किचन में अवेलेबल होता है और ये आसानी से आपको मिल जाएगा, तो इसको आपको बड़े चम्मच का 2 चम्मच लेना है। अब इसको भी आपको पीस लेना है बड़े ही अच्छे से, और पीस लेने के बाद आपको तीनों इन्ग्रीडियंट्स मिल गए। अब जो नारियल तेल है उसको आप किसी भी सॉस पैन में डालिए और उसमें करी पत्ते का जो पेस्ट है उसको डालिए, और उसके साथ ये जो ब्लैक क्यूमिन सीड्स का जो पेस्ट आपने लिया है इसको डालिए, और गैस को सबसे लो फ्लेम में कर दीजिए, मतलब आपको जलाना नहीं है। अगर आपका जो तेल है वो जल गया तो वो गया, उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो एकदम कम आँच में गैस में सॉस पैन को चढ़ाइए, उसमें नारियल तेल डालकर उसमें ये जो दोनों इन्ग्रीडियंट्स हैं इनको डाल दीजिए, और धीरे धीरे जैसे पकाते हैं कुछ उस तरीके से पकाइए। 15 मिनट लगेंगे आपको, और उसके बाद आप देखेंगे आपका जो तेल है, तेल का जो रंग है वो, नारियल तेल नॉर्मली सफ़ेद हल्का येलो टाइप का होता है, तो उसका जो रंग है वो ग्रीन हो जाएगा, और आपके जो करी पत्ता जो आपने पेस्ट बना के इसमें डाला है वो जलेगा भी नहीं, काला भी नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से हल्के आँच में, धीमी आँच में आपको 15 मिनट धीरे धीरे करके इसको पकाना है, और इसके बाद ऑटोमेटिकली आप देख पाएंगे जो तेल का रंग है वो चेंज होके ग्रीन हो जाएगा, और उस समय आप समझ लीजिए आपका जो तेल है ये बन चुका है। और इस तेल को उसके बाद आप छांग लीजिए, छांग के किसी शीशी में किसी जार में आप रख दीजिए, और उसके बाद इस तेल को आप इस्तेमाल कीजिए। ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी अगर आप पहली बार इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 महीने के लिए या फिर 2 हफ्ते के लिए बनाइए और उसको इस्तेमाल कीजिए 2 हफ्ते तक। 2 हफ्ते बाद जब ख़त्म हो जाए और आपको लगे कि इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है तो उसके बाद आप दोबारा से इसको बनाइए और इसका इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने का तरीका साधारण सा ही है। तेल को आपको लेना है और अपने स्कैल्प में और बालों में अच्छे से लगा के मसाज करना है,
और आप इसको हफ्ते में दो बार लगाइए। दो बार लगाना बेस्ट होता है, इससे आपके बालों में पोषण मिलता है। लेकिन दो बार नहीं पॉसिबल हो रहे हैं तो हफ्ते में एटलीस्ट एक बार इस तेल को आप ज़रूर अपने स्कैल्प में अच्छे से लगाइए और उसके बाद बालों में लगाइए। आपके बालों का जो प्री मैच्योर हेयर ग्रे का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। और गाइज एक बात का आप ध्यान रखिए, इस तेल को अगर आप थोड़ा सा गर्म करके लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। मेरे वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि अगर हम तेल को गर्म करके अपने सर पे लगाते हैं तो ये सही नहीं होता है, इससे हमारे बाल जल जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स जल जाते हैं। ये एकदम गलत बात है। तेल को आपको धीमी आँच में 2 से 3 सेकेंड सिर्फ गर्म करना है, इसको जलाना नहीं है। मतलब तेल को आपको उबाल के अपने सर पे नहीं डालना है, तो उसमें अगर हाथ आप डालेंगे तो आपके हाथ भी जल जाएंगे, तो बाल तो दूर की बात है। तो आपको तेल को एकदम लोएस्ट फ्लेम में अपने गैस में गर्म करना है ताकि उसको आप हाथ में टच कर पाओ और वो आप अपने बालों में और स्कैल्प में लगा पाओ। इससे आपके जो स्कैल्प में जो रूट्स है वो पेनिट्रेट होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बटन को कीजिए प्रेस और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको इससे कोई फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ शेयर योर फीडबैक विथ मी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।